इनका चलो बस आप दुनिया के सारे दर्द वालों को निकलते हुए देख रहे थे, इनका औरों को भी लेकर आया लेकिन इनको ही नहीं लेकर आ पा रहा था भाई, बहन को भी लेकर सबको ले आया। करीब 40 साल से, हाँ 40 नहीं सॉरी करीब 42-43 साल से। अच्छा, मेरी माँ को भी एस्थमेटिक थी, मेरी नानी भी एस्थमेटिक थी और मेरे को मेरी छोटी बहनों थी, ये हम एस्थमेटिक चले आ रहे हैं। अभी तो आप नाचे कुछ वो कुछ भी नहीं हुआ, अभी अस्थमा महसूस हो रहा है आपको? हाँ, इसकी वजह से महसूस हो रहा है, इसकी वजह से लोग 20 साल हो गए अपन बैठे हुए। अच्छा, फिर शादी में जाता हूँ प्रेम होते नहीं, अभी महसूस हो रहा है यहाँ बहुत ज़्यादा। मैं कई बार पफ लेते तुम याद नहीं वो प्रॉब्लम है। आपको पता है जो प्रॉब्लम डॉक्टर की होगी वो हमारे से नहीं जाएगी, लेकिन जो हमारी होगी वो डॉक्टर से कदापि नहीं जाएगी। समझ में आ गया आज आपके? हाँ, बिल्कुल ठीक है। मैं आपको डेली कई साल से प्रॉब्लम देखता हूँ। अच्छा, यहाँ बैठिए उल्टे होके। हेलो, ठीक थोड़ा पीछे उल्टे को ले तू। नहीं नहीं ऐसे आप बात कीजिए, आप बात करें। नाम बताएं। जीवन प्रकाश। जीवन जी कहाँ से आए हैं? मैं सीलमपुर के पास ब्रह्मपुरी जगह जमुना पार। अच्छा, तो ये बीमारी क्या थी और कितने दिन से थी? बीमारी डॉक्टर लोग तो कुछ बता ही नहीं पा रहे थे क्या बीमारी है। कितने दिन से थी? 7 साल से। क्या परेशानी थी? लोअर बैक पेन है। इससे आपको क्या क्या करने में दिक्कत होती थी जिसकी वजह? कुछ भी नहीं कर सकता मैं, इवन की लेट भी नहीं सकता, बैठ नहीं सकता कंटिन्यू, और कुछ नहीं कर सकता मैं। आज आप जब शनिधाम पहुंच गए हैं, परम पूज्य मनु भैया जी ने अभी आपसे डांस करवाया, आपसे हाथ भी नहीं लगाया, तो क्या मानते हैं कैसा लगा? 70% आराम हो गया। किस प्रकार से, क्या दिया था आपको? कुछ भी नहीं किया, बस बातें की, प्रश्न के लिए। छुआ भी नहीं आपको? छुआ भी नहीं। आपका इस समय क्या भाव है अगर परम पूज्य मनु भैया जी की बात करें हम आपसे? बहुत इनके प्रति मेरे सादर दिल से आभार है। और सभी लोग जो बीमार होते हैं आप जैसे, जो परेशान हैं जैसे आप 7 साल से थे, उन लोगों के लिए क्या संदेश दोगे आज? जैसे कि आके जरूर दिखाना चाहिए मनु भैया। जय शनिदेव। देखो घुटने ऐसे बैठ जाओ, अब कमर में दर्द, देखो ये घुटने अब लड़ नहीं रहा। मैंने क्या कहा था? थोड़ा दर्द कर दो, घुटनों में भी दर्द अब लग नहीं रहा है। बोलो शंकर भगवान। जीने भी बड़े आराम से करते हो, अब तो दौड़ के भी चढ़ सकते हैं आप। दौड़ के वो इसलिए नहीं चढ़ेंगे, उनको सांस चढ़ेगा। मैं काफ़ी कुछ बॉडी को मूवमेंट में रखता हूँ, सुबह 3-4 दिन भी उठ जाता हूँ एक्सरसाइज कर। अब सर्दी है थोड़ी सी, बच के चलो। सर्दी देखिए, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है। आना है अभी आपने? हाँ बिल्कुल आऊंगा। हाँ बोल दो। जय शनिदेव। जय शनिदेव। फिर ये क्या